भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख स्थित गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में छत्तीसगढ़ ने भी आहुति दी है। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में कांकेर जिले के वीर जवान गणेश कुंजाम शहीद हो गए हैं, तो वहीं इस मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। लद्दाख में चीनी सेना के भारतीय सैनिकों पर हमले के विरोध में एनएसयूआई पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ आंदोलन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा, और साथ ही चीनी सेना मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले की चप्पलों से पिटाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएक्स टीवी, रायपुर। भारत चीन की सीमा में 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए और देश का प्रधानमंत्री राजा जब कांग्रेस की शासनकाल थी तो यही देश के प्रधानमंत्री यही नरेंद्र मोदी जी पूछते थे कहाँ है लाल आग दिखा रहा है चीन। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कहाँ है लाल आग, कहाँ है वो जो बड़ी बात है वो क्या करते थे। आज 20 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं, देश जवाब मांग रहा है उनसे कि हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन वो सामने आए, वो छुप कर बैठे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। यही लोग सेना के नाम पर राजनीति करते थे, इसके विरोध में आज छत्तीसगढ़ एनएसयूआई ने पूरे देश भर में आज चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन भी किया है मुझे, और नरेंद्र मोदी से जवाब, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमारा आंदोलन है कि नरेंद्र मोदी सामने आए और देश को जवाब दें कि वो इस पर क्या कर रहे हैं। कांकेर का भी एक जवान शहीद हुआ है, हमें ये बहुत दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ का हमारा एक साथी, हमारा एक भाई कांकेर रहने वाला गणेश कुंजाम शहीद हुआ है। पूरे कांग्रेस पार्टी पूरे एनएसयूआई परिवार श्रद्धांजलि अर्पित करता है, इसीलिए कल एनएसयूआई परिवार उसके कांकेर के उसके गांव भी हम जा रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उसके अंतिम संस्कार में हम शामिल होंगे। और बहुत ही की बात है, लेकिन हमें गर्व है कि हमारा एक साथी, हमारा एक भाई जो मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, छत्तीसगढ़ महादारी का बेटा था, वो वहाँ पर शहीद हुआ है।